हो जाए। मैं छोटा जी, मेरा दिल बड़ा जी, नकली लिबास तेरा फाड़ू दर्जी, मन करा जी करा मेरी मर्जी, तेरे रूप 50 व्यक्तित्व फर्जी, नहीं मैं रुकने नहीं वाला, जाके कह दो उनसे, नहीं मैं थकने नहीं वाला, एक के बाद एक, वटने दो बोले बेटा, वटने दो बोले बेटा, वटने दो खाएंगा तो फटके, वटने दो बोले बेटा, वटने दो बोले बेटा, वटने दो खाएंगा तो। पैदा हुआ फला बड़ा हटीली इलाके में, सबसे खतरनाक बम्बई 70 क्या नेज दबा वो है। I am Nazy, rapper, musician from Bombay, and I rap in Hindi, Urdu, and the Bombaiya slang. I'm known for doing Bombaiya slang, gully rap in India. Nazy the Ba. Which device other than your smartphone do you use the most? I used to listen to music on my Walkman, on a cassette, but फिर वो बंद हो गया, cassette आना ही बंद हो गया, तो फिर CD पे गया मुझे. एक ब्रांड का ऑफर में मिला था सीडी प्लेयर, फिर वो सीडी प्लेयर पे सुनता था मैं, सीडीज चुराता था, सीडीज स्टोर में जाके, एम प्लैनेट एम करके एक जगह थी, वहाँ जाके आधी सीडी खरीदता था आधी ढापता था, तो ये सब हरकतें कर करके मैंने गाने सुने बचपन में. और फिर अभी तो स्मार्टफोन में ज़्यादातर सुनता हूँ, उसके अलावा अपने कार के प्लेयर पर सुनता हूँ. घर पे मेरा बोट का स्पीकर है मेरे पास, और पहले JBL था, लेकिन अभी बोट के साथ मेरा कोलैबोरेशन हो गया तो मैंने JBL को हटा दिया, बोला अभी नहीं चाहिए, अभी जिसके साथ कोलैबोरेशन है सिर्फ वही यूज़ करता है बोट. आई एम ऑल अबाउट द बेस, ट्रेवल इज टेरिबल, बेस इज समथिंग यू नो दैट गेट्स मी गोइंग. या बेस, मुझे बेस मेरी लाइफ हो गई है, कि कहा मेरे को हर जगह बेस चाहिए. अगर म्यूज़िक में ज़्यादा बेस नहीं है तो मेरे को इंसान की आवाज़ में भी बेस चाहिए, उसके आवाज़ में बेस चाहिए, उसके म्यूज़िक में बेस चाहिए, हर जगह, मतलब जितना हो सके, जैसे चीज़ खाता है ना इंसान, वैसा हो गया मैं बेस के लिए. हाँ ऐसा है गाना, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, कोई भी जब भी मैं सैड हो या फीलिंग में रहूँ तो मैं ये गाना गाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमेशा मुझसे सही से गाया नहीं जाता ये गाना. ये गाना शाहरुख की फिल्म से, कोई ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से, मेरे को गाना ही नहीं आता है, कैसे गाऊँ उसको, मतलब मेरे को फील तो हो रहा है लेकिन मैं सुनता हूँ लेकिन वो गा नहीं पाता हूँ, बहुत अजीब लगता है, हिचकिचाहट, क्योंकि मैं रैपर हूँ और ये थोड़ा सिंगिंग वाला जोन अलग है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हमेशा के अजनबी तू भी कहीं आवाज दे कहीं से, फिर उसके बाद का तो बहुत टेरेबल हो जाता है, इसलिए मैं गाता नहीं. बचपन में आपको कौन सा गाना? जैसे AR रहमान के कुछ गाने और जो मैं सुनता था, जो आज, लेकिन आज मैं उसके बारे में प्राउड भी हूँ लेकिन मेरे को शर्म भी आता है. जैसे छैया छैया गाना हो गया, कि छैया छैया का हुक इतना बेकार है कि आज मैं गाऊंगा नहीं, किसी के सामने गाऊंगा तो पब्लिक हंसेगी, लेकिन उसका जो मेन अंतरा मंत्रा है, जहाँ वो बोल रहा है कि पाँव के नीचे जन्नत होगी और ये सब, वो एकदम डीप लिरिकल मीनिंग है उसमें, तो मुझे फिर भी शर्म आएगा गाने के लिए. ये सब मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हुआ करते थे, वो टाइम के बैंगर बोलते ना, वो टाइम के बैंगर गाने, भयंकर बैंगर. बहुत हाँ दिल से, बहुत दिल से, इसलिए मैं दिल से मूवी के पीछे हूँ. So if aliens come visiting Earth and you want to represent Earth's music culture through one song or one genre, it would be Imagine Dragons Thunder. कि भाई हम लोग के इधर थंडर वंडर बहुत आता है भाई, आफत है इधर, तुम लोग इधर से चले जाओ, पहले ही थंडर सुन के भाग जाओ यार, पहले ही भगाएंगे एलियंस लोग को भाई, इंसान की कमी नहीं है दुनिया में, कहाँ एलियंस लोग को बुलाने का. Damn, this is my favorite question. I think if I want to meet a dead person, I would meet like tens of them. Like all my favorite artists are dead. Like Big L, Big Pun, Tupac, Biggie Smalls. All this RIP to them, man. RIP to them. I would love to have a dinner with any of these artists. I would love to have a dinner with Biggie Smalls and then Tupac.
all these bigger artists who are dead now. So I miss them and I get emotional. Like if I get a chance to have a dinner with them and I'll get mad. मतलब मैं अपने जगह पे नहीं रहूँगा अगर ऐसा होता है तो. प्लीज़ तुमने ये सवाल पूछ के मेरे को पागल कर दिया यार. तुम अब करवाओ मेरे, या तो मुझे मार दो या तो उनको जिंदा कर दो. या तो उनको जिंदा कर दो भाई. एमिनम तो जिंदा ही है और जो जिंदा है वो उतना पसंद नहीं है. जो जा चुका है उसकी ज़्यादा चिंता है मुझे. हाँ नॉस्टैल्जिक उनको मुझे चाहिए कि वो वापस जिंदा हो, उसकी एल्बम रिलीज हो या वो अभी भी गाना गाए. मैं इतना पछताता हूँ उन लोग के गाना सुन के. मुझे बहुत एक रिमोर्स फीलिंग आती है कि उन लोग जिंदा नहीं है. आज अगर वो जिंदा होते तो सीन कहीं का कहीं होता और हम लोग को बख्शा जाता इतने अच्छे अच्छे गानों से, इतनी अच्छी एल्बम से. तो मैं बहुत मिस करता हूँ उनको. मैं एप्पल के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ, गैराज बैंड. मेरे लिए बहुत फीजेबल है वो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और ज़्यादा ईजी भी नहीं है. तो एक आर्टिस्ट के हिसाब से वो सही है कि अगर अभी मैं उतने टेक्निकलिटीज़ में जाता नहीं हूँ, मेरा इंजीनियर मेरे लिए करके देता है. तो अगर थोड़ा बहुत करना है ना, मैनेजिंग कुछ काट पीट करके रिकॉर्ड करके स्क्रैच बनाना है वो मैं बना लेता हूँ. तो उसके लिए मेरे लिए बहुत हेल्पफुल पड़ता है गैराज बैंड. गैराज बैंड मेरे लिए बेस्ट ऐप है. गैराज बैंड में यूजली अपने आईफोन पे यूज़ करता हूँ, आईपैड पे यूज़ करता हूँ, मैकबुक पे यूज़ करता हूँ, तीनों डिवाइसेस पे. सबसे सही मेरे को आईपैड पे लगता है. उस पर जो क्वालिटी आती है, और घर को अगर रूम को बंद करके मैं रिकॉर्ड करता हूँ कोई गाना और कोई क्लाइंट को भेजता हूँ तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने स्टूडियो में करके भेजा है. तो ऐसा बहुत एड़ा बनाता हूँ मैं पब्लिक को कि मैंने करके भेजा है आईपैड पे, लेकिन उन लोग को लगता है स्टूडियो वर्जन है. उन लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि मालूम भी नहीं पड़ता इतना अच्छा क्वालिटी देता है वो. क्वालिटी अच्छा देता है जी. आईपैड मेरा लॉन्च पैड है. मतलब मैंने अपनी लाइफ का पहला गाना आईपैड पे बनाया और आज तक मैं ज़िंदगी में जितना भी आगे बढ़ा हूँ सब आईपैड की वजह से ही हुआ. एक इलेक्ट्रॉनिक टुकड़े की वजह से. एक इतना सी टुकड़ा है वो, लेकिन बहुत डेंजरस है. उसने पूरा इंडियन हिप हॉप का गेम बदला है एक आईपैड ने, ये मैं बोल सकता हूँ प्राउडली आज. तो आईपैड इज द बेस्ट. स्ट्रीमिंग म्यूजिक होगा क्योंकि आजकल के ज़माने में विनाइल को यूज़ करना आसान नहीं है. उसके लिए बहुत तामझाम चाहिए, बहुत मगजमारी होती है. स्ट्रीमिंग म्यूज़िक के साथ स्मार्टफोन पे हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, जिधर भी तुमको जाए तुमको सुनना है. यहाँ तक तो आजकल तो स्पॉटिफाई वगैरह पे ऑफलाइन मूड भी हो गया है कि तुम फ्लाइट में भी जा रहे हो, अंडरग्राउंड भी हो, कहीं भी बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो अपना ऑफलाइन मूड में डाल के तुम सारे गाने सुन सकते हो. स्ट्रीमिंग म्यूज़िक में सबसे बेस्ट मुझे लगता है उसकी जो स्पेशलाइजेशन होती है कि प्लेलिस्ट की, कि हर जॉनरा के लिए जो मेरे मूड को समझते, जो एल्गोरिथम पे बैठते हैं उन लोग और समझते हैं कि मैं कौन कौन से गाने सुन रहा हूँ, फिर उस हिसाब से डेली म्यूज़िक जो प्लेलिस्ट बनती है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है. एक रिलेशनशिप बैठ जाता है तुम्हारा ऐप के साथ. और दूसरा सबसे ज़्यादा हेट होता है मुझे जब एड्स आते हैं अननेसेसरीली, इतने सारे ऐड आने लगते हैं. इतना अच्छा मूड चल रहा है, मैं फुल वाइब में हूँ, फुल जोश में हूँ, अचानक से वो बोल रही है कि भाई तुम ये पैक खरीदो वो खरीदो. मैं बोला अरे भाई चुप रहना यार, तू दो मिनट के लिए चुप रहे, मेरे को सुन लेने दे, अच्छा मेरा मूड कंप्लीट करने दे. तो वो सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ. एल्गोरिथम मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो नेचुरली ऐसा लगता है ऊपर वाले ने बना के भेजा, तो इसलिए एल्गोरिथम वाली ज़्यादा पसंद. फेवरेट प्लेलिस्ट कौन सी है इन तीनों चीज़ों के लिए? डेली कम्यूट्स के लिए मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट जो मेरी योर प्लेलिस्ट नंबर लिख कर आता है ना, वो मैं डेली कम्यूट में सुनता हूँ. लॉन्ग ड्राइव्स में मैं ग्राइम क्लासिक सुनता हूँ जो हिप हॉप के उसमें आती है एक ग्राइम क्लासिक करके. और क्या पूछा था आपने? वर्कआउट. हाँ वर्कआउट के लिए मैं 90s हिप हॉप सुनता हूँ जो गैंगस्टर रैप था और जिसकी एक स्पेशल प्लेलिस्ट है स्पॉटिफाई पे. तो वो स्पेशली वर्कआउट के टाइम सुनता हूँ, जो हार्ड हिटिंग राइम्स होती है उससे मेरे को और जान बनाने का मन करता है. ऑनलाइन आपके म्यूजिक के बारे में बहुत सारा फीडबैक आया, तो सबसे बेस्ट लाइन आपने क्या पढ़ी है लिखा आपके म्यूजिक के बारे में और सबसे वर्स्ट फीडबैक क्या? सबसे बेस्ट लाइन मुझे ये लगी थी, किसी ने बोला था कि भाई तुम यू आर द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन हिप हॉप. तुम सबसे सही तरीके से हिप हॉप को रिप्रेजेंट कर रहे हो बिना बिना उसमें अडल्ट्रेट करके या बिना ज़्यादा वेस्टर्नाइज करके. मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो के, जैसे बोलते हैं ना
उस तुम ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुए वेस्ट से, तुमने थोड़ा बहुत वहाँ से लिया, लेकिन जो प्योरिटी है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो तुमने बरकरार रखा। ये कमेंट मेरा बेस्ट कमेंट था। और मेरा वर्स्ट कमेंट ये था कि भाई तुम बदल गए हो, तुम जब से ज़्यादा फेमस हुए हो तुम बदल गए हो, और तुम्हारे म्यूज़िक में वैसा टेस्ट नहीं रहा, तुम आजकल फेक रहे हो। तो ये कमेंट मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं नहीं बदला, मैं अभी भी वैसे ही। मैंने सबसे बेस्ट गैजेट जो खरीदा वो आईपैड ही रहेगा, क्योंकि उसने मेरी तकदीर बदला है, मेरी किस्मत बदला है। और उससे मैंने वीडियो शूट भी किया है, सिर्फ उसमें गाने रिकॉर्ड नहीं करता, उसका कैमरा भी बहुत हेल्पफुल रहा है, और उससे वीडियो एडिट भी किया है, उस पर ही मैंने सब कुछ किया। और आज भी मैं अपने होटल रूम में आईपैड कैरी करता हूँ कि मेरे को कभी इमरजेंसी में स्क्रैच बनाना पड़े तो मैं फ़ौरन बना के भेज दूँ। तो आज तक मेरा पार्टनर मेरा दोस्त है वो, वहाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है आईपैड। वर्स्ट गैजेट मैंने किसी ब्रांड का फ़ोन ख़रीदा था, मैं वो ब्रांड का नाम नहीं लूँगा अभी, और मेरे को मेरे दोस्त लोग ने बोला था भाई चाइना है ब्रांड, मैं बोला नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ में यूज़ होता है, चाइना नहीं है। और मेरे को जब यूज़ करने में क्वालिटी उसका इंटरफेस वगैरह ऐसा लगा ना, मालूम पड़ा भाई ये तो चाइना है, इसको फटाक से बेच डालो। तो मैंने उसको बेच डाला, वो मेरे लिए वर्स्ट गैजेट था। एक सोशल मीडिया पे आप दिन में कितना टाइम स्पेंड करते हैं और आपका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? सोशल मीडिया पे मैं कुछ आधा एक घंटा दो घंटा बिताता हूँ, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है, कभी 15 मिनट देता हूँ, कभी आधा घंटा देता हूँ, और ज़्यादातर अपना काम करता हूँ मैं सोशल मीडिया पे। और मेरे को ज़्यादा फिकर नहीं रहती है कि कौन क्या कमेंट कर रहा है और किसका क्या मैसेज आया, ज़्यादातर मैं अपने काम के हिसाब से जाता हूँ कि मेरे को ये पोस्ट करना है और मेरे को देखना है कुछ नेगेटिविटी तो नहीं आ रही है, फ़िल्टर करना है, ये सब करने के लिए जाता हूँ मैं ऑनलाइन। और मुझे यूट्यूब बहुत पसंद है, और सेकेंड है इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया आप ही मैनेज करते हैं या मैनेजर भी दिखते हैं? मैं उनसे लड़ता हूँ, उनसे मेरी फाइट होती है कि तुम लोग मेरा बिगाड़ दोगे, तुम लोग वहाँ पे इतना सारा पोस्ट करोगे ना कि तुम लोग मेरा जो क्रेड है ओरिजिनलिटी का वो तुम लोग बिगाड़ दोगे, इसलिए मेरे को ही यूज़ करने दो। तो हम लोग का फाइट चलता है। ओके, तो आपके हिसाब से इंडिया में सबसे टैलेंटेड म्यूजिशियन कौन? इंडिया में म्यूजिशियन सबसे टैलेंटेड मुझे लगता है यंग जनरेशन में के सब ओवरऑल। आप एक ओवरऑल एक ले लीजिए और एक यंग। ओवरऑल मुझे लगता है AR रहमान साहब है, AR रहमान सर है, उनको वो तो हमेशा से मतलब अच्छे ही रहे और आज भी मतलब मचा ही रहे, वो उनका ऐसा है कि वो ज़िंदगी भर मचाने ही वाले, मेरे को तो लग रहा है मरते दम तक मचाने वाले। तो वो एक आर्टिस्ट है। और दूसरा मेरे को लगता है जो मेरा कंपटीशन है डिवाइन, यंग जनरेशन में अगर दिखाया जाए तो वो भी धीरे धीरे शार्पन करते जा रहे हैं चीज़ों को, और फ्रॉम बीइंग अ रैपर ही इज़ बिकमिंग अ म्यूजिशियन, कि वो अभी धीरे धीरे हो सकता है कि वो भी एक ऐसे स्पॉट पर आ जाए जब वो खुद पूरा क्यूरेट करने लगे। तो मुझे लगता है कि डिवाइन एक अच्छा आर्टिस्ट है इंडिया में। स्ट्रीमिंग सर्विस पे अभी इंडिया में आपका फेवरेट टीवी शो या मूवी कौन सी है? मैं स्ट्रीमिंग पे उतना टीवी शोज देखता नहीं हूँ, मैं क्रिकेट देखता हूँ ज़्यादातर, क्रिकेट स्पोर्ट्स फुटबॉल ये सब देखने मज़ा आता है मेरे को। और उसके अलावा मूवीज़ कभी कभी देख लेता हूँ, और हिप हॉप डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखता हूँ मैं नेटफ्लिक्स पे, इस पर उस पर जब भी मेरे को टाइम मिलता है। ये सब जो नए नए डॉक्यूमेंट्रीज है हिप हॉप के बारे में, पुराने पुराने भी डॉक्यूमेंट्रीज है, तो वो सब डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ हिप हॉप के बारे में या दूसरे आर्टिस्ट के लाइफ स्टोरीज के बारे में, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज मेरा फेवरेट है। थैंक यू सो मच।